आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से दुगनी बेरोजगारी है। यहां पे 23% है युवाओं की, वहां पे 12%। तकरीबन दुगनी बेरोजगारी हिंदुस्तान में है, बांग्लादेश से ज्यादा है, भूटान से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो छोटे उद्योग हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, उन सबको खत्म कर दिया। कैसे? जीएसटी और नोटबंदी से। तो इससे भयंकर बेरोजगारी फैली है। हमने जाति जनगणना की बात उठाई, हमने सिर्फ ये कहा, देखिए जैसे किसी को चोट लगती है, आपको कभी चोट लगी है? अस्पताल गए आप, पहला काम डॉक्टर ने क्या कहा? एक्सरे कराओ। कहा ना कि भैया हाथ टूटा है, लगता है हाथ टूटा है, एक्सरे कराओ। तो हमने कहा कि भैया हिंदुस्तान का एक्सरे करा देते हैं, जाति जनगणना करा देते हैं, पता लग जाएगा पिछड़े कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, गरीब कितने, कितना धन कितना है, किसके हाथों में। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं नहीं, हिंदुस्तान में तो कोई जाति नहीं है, दो ही जात है, एक गरीब है, एक अमीर है। अच्छा, अगर दो ही जात है तो फिर आप ओबीसी कैसे हो गए? पहले आप कहते थे हम ओबीसी हैं, हम ओबीसी हैं, हम ओबीसी हैं, अब हमने एक्सरे की बात की, जाति जनगणना की बात की, आप कहते हो भैया इस देश में तो ओबीसी है ही नहीं, पिछड़े है ही नहीं, सिर्फ दो जात है। क्यों? क्योंकि आप डरते हो, आप नहीं चाहते हो कि देश की सच्चाई 73% को पता लग जाए। हमने मणिपुर से महाराष्ट्र दूसरी यात्रा शुरू की, इसमें हमने न्याय शब्द जोड़ दिया। अब न्याय क्यों जोड़ा? क्योंकि इस देश में जो नफरत फैल रही है उसका कारण अन्याय है। किस प्रकार का अन्याय? आर्थिक अन्याय, सामाजिक अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, युवाओं के खिलाफ।